आदाब नाजरीन, साहिल ऑनलाइन में देखिए मुल्क भर से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। इंतखाबात से आइन कब्ल गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है रियासत में बसर इक्तदार बीजेपी सरकार। सिविल कोड की मुमकिनात को तलाश करने के लिए बाकायदा तश्कील दी जा रही है एक कमेटी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे कमेटी की सरबराही। इलेक्शन कमीशन 1 या 2 नवम्बर को गुजरात इंतखाबात की तारीखों का कर सकता है ऐलान। यकसा सिविल कोड के निफाज की तैयारियों को लेकर AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द अमल का किया इजहार। बीजेपी पर इंतखाबी दावों खेलने का लगाया इल्जाम। कहा हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का सोशा छोड़कर लोगों को गुमराह करने की जा रही कोशिश। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और बुग्ज का तैयार किया जा रहा है माहौल। दिल्ली एयरपोर्ट पर टल गया एक बड़ा हादसा। बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने के दौरान इंडिगो तैयारी के इंजन में अचानक भड़क उठी आग। रनवे पर आग के साथ दौड़ते नजर आया तैयारा। खतरे को भांपते ही पायलट ने रोक दी फ्लाइट। कुल 184 लोग तैयारे पर थे सवार, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। आग लगने के फौरी बाद लोगों को तैयारी से बाहर निकलने की इजाजत न दिए जाने पर मुसाफिरों ने सख्त नाराजगी का किया इजहार। करीब 1 घंटे बाद एयरक्राफ्ट से उतारे गए मुसाफिर। इब्तदाई तहकीकात के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दी सफाई। कहा तकनीकी खराबी के सबब पेश आया था वाकया। पायलट ने फ्लाइट रोककर इंजन में आग बुझाने वाले आलात का फौरी किया था इस्तेमाल। वाकये की मजीद तफसीली जाँच का दिया गया है हुक्म। होने वाली परेशानियों के लिए मुसाफिरों से मांगी माफी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर और रुकन असेंबली आजम खान को नफरत अंगेज तकारीर के लिए 3 साल की सजा मिलने के बाद टूटी एक और आफत। आजम खान की रद्द की गई यूपी विधानसभा की रुकनियत। अब रामपुर में किया जाएगा जिमनी इंतखाब। मामले में जमानत पर जेल से बाहर हैं आजम खान। दिल्ली में संगीन रुख इख्तियार कर गया है एक मामूली तनाजा। अलीपुर इलाके की एक तंग गली से गुजरने के दौरान रास्ता छोड़ने को लेकर बाइक और कार सवार के दरमियान हुई नोकझोंक। गुस्साए कार सवार ने बाइक सवार समेत सामने मौजूद मुतादिद लोगों पर चढ़ाई कार। बुरी तरह कुचले जाने से कई लोग हुए जख्मी। संगीन बनी हुई हालत। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ मुल्जिम ड्राइवर। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने मुल्जिम को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई इंसानियत सोच तस्वीर। बड़ी सब्जी मंडी में मोबाइल चोरी के महज शुबे की बुनियाद पर 2 नौजवानों के साथ जमकर मारपीट करके दी गई अलमनाक सजा। लोडिंग ट्रक से बांधकर सड़क पर बेरहमी से उल्टे घसीटे गए नौजवान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो। पुलिस मामले की कर रही तहकीकात। वीडियो की अब तक नहीं की गई है तस्दीक। मुंबई बोरीवली के वजीर नाका इलाके में ढह गया खस्ता हाल 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा। नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। करीब 5 गाड़ियां मलबे की जद में आकर हुई तबाह बर्बाद। इमारत में जारी था मरम्मती काम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के दरमियान फिर शुरू हुआ टकराव। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाली ऐप की मुहिम को रोकने का इल्जाम आयद करके एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ पार्टी कारकुनान ने किया एहतजाज। जानबूझकर मंजूरी न दिए जाने का लगाया इल्जाम। जमकर की गई नारेबाजी। एलजी ने इल्जाम को किया मुस्तरद। राहुल गांधी की क्यादत में तेलंगाना में जारी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ हाथों में तिरंगा थामे नजर आए सैकड़ों लोग। कांग्रेस के साथ अपनी अकीदत और प्यार और मोहब्बत का किया इजहार। मुल्क के नफरती माहौल को खत्म करके दिलों को जोड़ने का राहुल गांधी ने दिया पैगाम। यूपी के कई अजला में डेंगू का बरपा कहर। सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में किए गए दाखिल। इटावा के परसवा गांव में करीब 80% लोगों को लाइक हुआ बुखार। 3 लोगों की वाकई हुई मौत। 40 लोगों में डेंगू मर्ज पाए जाने की जा चुकी है तस्दीक। मौके में सियात ने जारी किया अलर्ट। बिहार के औरंगाबाद में शॉर्ट सर्किट से पेश आया बड़ा हादसा। एलपीजी गैस सिलेंडर में हुआ धमाका। 30 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस कर हुए शदीद जख्मी। कई लोगों की नाजुक हालत। शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने से सिलेंडर में हुआ था ब्लास्ट। सुबह के अवलिन सातों में चेतन पूजा के लिए पकवान की तैयारी के दौरान पेश आया था हादसा। कर्नाटक जिला दक्षिण कन्नड़ा के कस्बा बेंगरे इलाके में लंगरअंदाज कश्तियों में अचानक लगी आग। 2 से 3 कश्तियां पूरी तरह जलकर हुई राख। मकामी लोगों के ताउन से फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान का लगाया जा रहा है तखमीना।
जमात उल मुस्लिमीन भटकल के लिए 20 अराकीन इंतजामिया का अमल में आया इंतखाब। आइंदा से सलाम याद के लिए कल मौके शरिया इमारत में हुआ था इलेक्शन। कुल 47 लोगों का उम्मीदवारी के लिए पेश किया गया था नाम। गिनती के बाद आज मुंतखब नुमाइंदों के नामों का किया गया ऐलान। इलेक्शन से कबल ही साबिक इंतजामिया से 10 अराकीन को बिल इत्तेफाक किया गया था मुंतखब। बहुत जल्द मकामी और बैरून व अंदरूनी हिंद जमातों से मजीद कुल 100 लोगों का होगा इंतखाब। अपना कीमती वक्त और सलाहियतों को सर्व करके जमात और कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए काम करने के मुंतखब अराकीन से जाहिर की जा रही उम्मीद। भटकल में शिशु अभिवृद्धि योजना अधिकारी गढ़ा कचेरी, हिरिया नागरिक सबलीकरण इलाके और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय संघा के इश्तराक से सीनियर सिटीजन के लिए इस्लामिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल मैदान में मुनाकिद किया गया दिलचस्प प्रोग्राम। कसीर तादाद में खवातीन समेत उम्र रसीदा लोगों ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने बचपन और जवानी के दिनों को किया याद। बुढ़ापे के बावजूद जमकर की तफरी मंजर देख कर भी लोगों ने उठाया लुत्फ।